और बड़ी खबर आ रही है चंदौली से, जहां पर DDU GRP टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस टीम के द्वारा 34 किलो अवैध चांदी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बरामद चांदी की कीमत लगभग 24 लाख बताई जा रही है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर जौनपुर से चांदी की खेप महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी और पकड़े गए दोनों अभियुक्त शरद सागर और बाबू सागर दोनों ही सगे भाई हैं। तो आपको बता दें कि सगे भाइयों के द्वारा ही चांदी की खेप को महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था, जहां पर इस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और दोनों ही आरोपियों को 34 किलो अवैध चांदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार कर GRP टीम जांच में जुटी है और पूछताछ कर रही है। DDU GRP को चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसे चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। तो आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 34 किलो चांदी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर 34 किलो अवैध चांदी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आ रही है चंदौली से, जहां पर जौनपुर से चांदी की खेप महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी और GRP पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किया है।